और प्रज्ञा ठाकुर पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। उनके तरफ से जो कहा गया है वो ये कि प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को लेकर जो कुछ कहा वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। नीतीश ने ये भी कहा कि एक्शन लेना पार्टी का काम है और ये भी जोड़ा कि देश में इतना लंबा चुनाव ठीक नहीं है, दो तीन चरणों में चुनाव हो जाना चाहिए। व्यक्ति क्या बोला तो उस पर रिएक्शन देना, एक्शन लेना पार्टी का काम, लेकिन जहां तक किसी भी व्यक्ति का इस तरह का विचार है ये हम लोगों के लिए बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप इसके लिए एक सर्वदलीय मीटिंग होनी चाहिए, जो मैं मेरे दिमाग में जो बात है और बहुत लोगों से भी हमने ऐसी ही बातचीत की है, आम लोगों से, सब लोगों की वही राय थी, वो यह था कि इतनी ज्यादा गर्मी में ये इतना लंबा चुनाव का अभियान चलना ये उपयुक्त नहीं है। ये जरूर अपने देश में या तो फरवरी मार्च या अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होना चाहिए और इतने चरण में चुनाव नहीं होना चाहिए, कम से कम चरण में चुनाव होना चाहिए ताकि लोगों को भी सुविधा होती है। अब इतनी गर्मी। और नीतीश के सवालों पर रविशंकर प्रसाद का क्या कहना है सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। रविशंकर जी, लगातार यहां पर लोग जो हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्या उम्मीदें हैं, आप किस आधार पर, आप क्या सोचते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर जनता? देखिए, जनता विश्वास के साथ आई है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बना रहा है, ये विश्वास है। देश आगे बढ़े वो मोदी जी की अगुवाई में हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष के नेता गोलबंद हो रहे हैं, चुनाव से पहले 23 तारीख को परिणाम आने हैं, लेकिन उससे पहले मीटिंगों का दौर जारी है विपक्षी दलों के, दिन में सपने देखने को मनाही है क्या? चुनाव के परे तो गोलबंद हुए नहीं, राहुल गांधी गेट आउट फ्रॉम यूपी, अखिलेश और मायावती, राहुल गांधी गेट आउट फ्रॉम मध्य प्रदेश, और एक चंद्रबाबू नायडू ने अलायंस किया था क्या कांग्रेस के साथ आंध्र प्रदेश में, इसलिए कर रहे हैं। अब ये उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हताश घबराए हुए हारे हुए लोग मिल रहे हैं, मिलने दीजिए, चाय पी लीजिए। क्या बीजेपी के नंबर कितने देख रहे हैं आप? 23 की प्रतीक्षा करिए, निर्णायक बहुमत आएगा। एक आखिरी प्रश्न रविशंकर जी, जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इतने चरण में चुनाव नहीं कराने चाहिए थे, अब ये उनका एक निजी विचार है, चुनाव आयोग से विचार करेगा। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना, बिहार। और इस बीच उत्तर प्रदेश के चंदौली से खबर आ रही है कि वहां चुनाव के एक दिन पहले कुछ लोगों की उंगलियों पर, वोटर्स की उंगलियों पर जबरन स्याही लगा दी। इस बात की FIR भी दर्ज की गई है, इस पर आगे हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन यहां लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। सातवां चरण, 59 सीटें, 918 उम्मीदवार।